तो इस वक्त प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 5 आरोपियों पर इनाम बढ़ाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों पर इनाम की रकम बढ़ाई गई है। अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख इनाम कर दिया गया है। हर आरोपी पर 5-5 लाख का इनाम हुआ है। अब तक 5ों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। असद अतीक अहमद का बेटा वो फरार है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम जो शख्स बम चलाता दिखाई पड़ रहा था वो फरार है। इसके अलावा गुलाम नाम का शूटर जो है वो फरार बताया जा रहा है। और इन पर अब इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यानी एक आरोपी के बारे में जानकारी देने पर 5 लाख का इनाम। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में अतीक के करीबियों पर अबेक्शन होगा। जल्द अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सूची तैयार कर ली और LDA 2-3 दिनों में इसका खुलासा भी कर सकता है। मतलब प्रयागराज कौशाम्बी के बाद अब लखनऊ में भी अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसेगा और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सूची भी तैयार कर ली है और 2-3 दिनों के अंदर इन नामों का खुलासा भी हो जाएगा कि अतीक अहमद के किन करीबियों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाने वाली है। Z News.